गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री हरि इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट गुजराती, चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है रमतनु महत्व। पहला पैराग्राफ देखते हैं। शारीरिक रमत रमवी ए बाळकों माटे महत्वनी छे। सारा शरीरनी व्यक्ति फक्त दिमागनो विकास करी शके छे। व्यक्तिने निरोगी रहेवू खूब ज महत्वनुं छे। तो शारीरिक खेल खेलना बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा शरीर का व्यक्ति दिमाग का विकास कर सकता है और निरोगी रहना हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। निरोगी रहवाना घना उपाय है। तो तंदुरुस्त रहने के लिए बहुत सारे उपाय है। निरोगी रहेवा माटे रमत महत्वनो उपाय छे। शिक्षणथी जेम बुद्धिनो विकास थाय छे, ते ज रीते रमत रमवाथी शरीरनो विकास थाय छे। तो जैसे कि निरोगी रहने के लिए बहुत सारे उपाय है। जैसे शिक्षण से हमारी बुद्धि का विकास होता है, ऐसे ही खेल खेलने से हमारा शरीर का विकास होता है, यानी हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। रोगी व्यक्ति हमेशा अशांत अने कंटारेली रहे छे। जो व्यक्ति रोगी है वो हमेशा अशांत और परेशान रहते हैं। यानी विचार करवानी क्षमता ओछी होय छे, तो उसकी सोचने की क्षमता कम होती है। निरोगी शरीर प्रकृतिनुं वरदान छे। जे व्यक्ति रोगी रहे ते हमेशा जे व्यक्ति निरोगी रहे ते हमेशा खुश रहे छे। तो निरोगी शरीर प्रकृति का वरदान है। जो व्यक्ति निरोगी रहता है वो हमेशा खुश रहता है। कबड्डी, खो खो, क्रिकेट वगैरह रमवाथी व्यायाम साथे मनोरंजन पण थाय छे। तो हमें अलग अलग खेल खेलने से, जैसे कि कबड्डी, खो खो, क्रिकेट आदि खेल खेलने से हमारा शरीर व्यायाम के साथ मनोरंजन भी करता है। निरोगी शरीर माते रमत एक साधन छे। आज तो निरोगी रहने के लिए खेल एक साधन है। दूसरा पेज देखते हैं। एज रीते निरोगी शरीर अने रमत ने मजबूत बंधन छे। तो ऐसे ही निरोगी शरीर हमारे खेल का एक मजबूत बंधन है। बधा बाळको ए अलग अलग प्रकारनी रमतमां भाग लेवो जोईए। तो सभी बच्चों को क्या करना चाहिए, अलग अलग खेल में भाग लेना चाहिए। इससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। दूसरा पैराग्राम। प्राचीन कालथी कबड्डी अने कुश्ती जेवी रमतो रमाती आवे छे। शारीरिक रमतो रमवाथी आपणुं शरीर बलवान बने छे। तो प्राचीन समय से कबड्डी और कुश्ती जैसे खेल खेलते आ रहे हैं। शारीरिक खेल खेलने से हमारा शरीर जो है वो बलवान बनता है। दूसरा पैराग्राफ। विश्व स्तर अने ओलंपिक आंतरराष्ट्रीय राज्यस्तरीय रमतो योजाय छे। हॉकी आपणो राष्ट्रीय खेल छे। आपणा देश में क्रिकेट, शतरंज अने टेनिस लोकप्रिय रमत छे। तो विश्व स्तर पर और ओलंपिक आंतरराष्ट्रीय राज्य स्तर पर रमतो जैसे कि खेल खेल रहे हैं। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। हमारे देश में क्रिकेट, शतरंज, टेनिस जैसे खेल है वो लोकप्रिय है। और हमारे देश में क्रिकेट जैसे खेल में अनेक सारे इनाम लिए हैं। तेज प्रमाणे शतरंज जेवी रमतों में पण घना इनामों प्राप्त थया छे। तो हमारे देश में शतरंज जैसे खेलों में भी बहुत सारे इनाम प्राप्त किए हैं। आपणा विकास माटे शिक्षण अने रमत बंदे महत्वनुं छे। तो हमारे विकास के लिए शिक्षण और खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षण से हमारा बुद्धि का विकास होता है और खेल से हमारे शरीर का विकास होता है।
इसके कारण हम तंदुरुस्त रहते हैं। इसीलिए हमें खेल खेलना और तंदुरुस्त रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा पेज देखते हैं स्वाध्याय। प्रश्न एक, आपेला प्रश्नना एक बे शब्द में जवाब लखो। पहला सवाल, निरोगी रहवा माटे शू महत्वनु छे? तो निरोगी रहने के लिए क्या महत्व का है? व्यायाम यानी कसरत करना। तो आपको जवाब में लिखना है, निरोगी रहवा माटे व्यायाम महत्वनु छे। दूसरा सवाल, शिक्षण थी सानो विकास थाय छे? तो शिक्षण से किसका विकास होता है? हमारी बुद्धि का। तो आपको जवाब में लिखना है, शिक्षण थी बुद्धिनो विकास थाय छे। तीसरा सवाल, रोगी व्यक्ति केवी रहे छे? तो जो रोगी व्यक्ति है वो हमेशा कैसी रहती है? परेशान और अशांत। आपको जवाब में लिखना है, रोगी व्यक्ति अशांत अने कंटारेली रहे छे। प्रश्न चार, प्राचीन काल में कई कई रमत रमाती हती? तो प्राचीन काल में कबड्डी और कुश्ती जैसे खेल रहे थे। तो आपको जवाब में लिखना है, कबड्डी और कुश्ती जेवी रमत रमाती हती। प्रश्न पाँच, अपनी राष्ट्रीय रमत कई है? तो हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। आपको जवाब में लिखना है, अपनी राष्ट्रीय रमत हॉकी है। प्रश्न बे, साचू छे के खोटू ते लखो। पहला सवाल, रमत रमवाथी शरीरनो विकास थाय छे? तो राइट, हाँ लिखना है। दूसरा, भारतनो राष्ट्रीय खेल क्रिकेट छे? तो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। तो यहाँ पे ना लिखना है। तीसरा, निरोगी शरीर प्रकृतिनु वरदान छे? तो कि हाँ, तंदुरुस्त रहना वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, जैसे कि हमें प्रकृति ने वरदान दिया हो ऐसा है। तो वहाँ पे हाँ लिखना है। प्रश्न चार, शिक्षण अने रमत बंदे महत्वनु छे? तो हाँ, शिक्षण हमारे बुद्धि का विकास करता है और खेल हमारे शरीर का, तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पे भी हमें हाँ लिखना है। दूसरा पेज, प्रश्न तरण, आपेला प्रश्न बे थी तरण वाक्य में उत्तर लखो। पहला सवाल है, रमत रमवाथी शरीर पर शू परिणाम आवे छे? तो आपको ये जवाब होमवर्क में खुद से लिखना है कि अगर हम खेल खेलते हैं तो हमें उसका रिजल्ट क्या मिलता है, वो आपको खुद से लिखना है। दूसरा सवाल, रमतनु महत्व बे त्रण वाक्य में लखो। तो आपको जो भी खेल पसंद हो उसके बारे में दो चार शब्द लिखने के हैं। बे त्रण वाक्य यानी दो तीन वाक्य में आपको जवाब लिखना है। प्रश्न चार, सामानाथी शब्द लखो। मजबूत यानी ताकत, उपाय यानी हल, आनंद यानी खुशी, शरीर यानी काया, प्रवृत्ति एक्टिविटी। कोई पण एक रमत विषय माहिती लखो, जो आपको खेल पसंद हो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। सभी स्टूडेंट को एक्सरसाइज नोटबुक और टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।